Hey everyone welcome to another session of azure administrator i am anjith Rawat, your online instructor and in this class i am going to help you to understand about azure recovery service vault so basically you know that if you want to perform the task related to backup and restore so azure recovery service vault can help us so now we discuss discuss about the backup and restore we will discuss about how many types of backup services are available in azure recovery service vault and uh, also we will show you the step uh, to take the backup of our on-premises uh, file and folder to azure portal so let me help you to understand about the recovery service vault first for example this is our azure portal right and uh, uh, over azure portal we have already subscribed ourselves means we have a one subscription because you know that without azure subscription we are unable to perform any task this is our azure portal and uh, over azure portal you know that we have a recovery service vault and by using the recovery service vault we are able to configure the backup for मल्टीपल सर्विसेज ठीक है सो नाउ रिकवरी सर्विस वॉल्ट एक सिंगल मीन सर्विस के अंदर वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शन टू कॉन्फिगर द बैकअप लाइक एज अगर आपने एजयर पे कुछ सर्विसेज इस्टेब्लिश कर रखी है लाइक यू इस्टेब्लिश अ फाइल सर्वर फाइल सर्विस एंड यू इस्टेब्लिश एनी काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन ओबर एजुअल एज पोर्टल या फिर आपने कोई एस क्यू सर्वर इस्टैब्लिश कर रखा है तो इन सभी का बैकअप आप रिकवरी सर्विस वॉल्ट के थ्रू कॉन्फिगर कर सकते हैं साथ ही साथ इफ़ यू हैव अ ऑन प्रोमाइसिस ठीक है ऑन के केस में अपने पास कुछ फाइल फोल्डर या फिर आपने कुछ वर्चुअल मशीन इन ई एस वर्चुअल मशीन इन अवर हाइपरवाइजर आपने तैयार कर रखी है तो उसका भी बैकअप आप रिकवरी सर्विस वर्ल्ड के थ्रू कॉन्फिगर कर सकते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ वर्चुअल मशीन और इस वर्चुअल मशीन को हमने सेटअप कर रखा है ई एस होस्ट पर मीन्स वी एम वेयर का सेटअप है अपने पास और वी एम वेयर के सेटअप की हेल्प से हमने एक वर्चुअल मशीन तैयार कर रखी है एंड इसका बैकअप कौन फिगर करना आपके पास फाइल है ऑनप्रोमाइस पे या कोई फोल्डर आपने रख रखा है उसका बैकअप क्रिएट करना है तब भी रिकवरी सर्विस वर्ल्ड कैन हेल्पअस एंड अनदर पॉइंट अगर आपने कोई सिकल सर्वर या बेयर मेटल सर्विसज इस्टेब्लिश कर रखी है मीनस किसी भी सिस्टम का बेयर मेटल या सिस्टम स्टेट बैकअप कौन करना है सर्वर का तो वो भी पॉसिबल है हर एक ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अप अपंटी परसेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू कॉन्फिगर द बैकअप एंड रिस्टोर स्टोर मीन्स बैकअप एंड रिस्टोर इन द सेंस ऑफ ऑन प्रोमाइसिस कि ऑन प्रोमाइसिस पे अपने पास रिसोर्सेज हैं और उसका बैकअप हमें तैयार करना है एज जी पोर्टल पर इस्टेब्लिश करने के लिए सो दिस इज़ आवर एज जी पोर्टल डायरेक्टली हम आपको पोर्टल पर ले चलते हैं और हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द बैकअप प्रोसीजर मोर सर्विसेज पे जाएंगे और मोर सर्विसेज में आप स्टोरेज पे क्लिक करेंगे अंडर द स्टोरेज वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्लिक करेंगे इसको अल दो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल रिकवरी सर्विस वॉल्ट बट अभी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक नया रिकवरी सर्विस वॉल्ट तैयार करेंगे दैट यू कैन फॉलो द सेम स्टेप अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए सब्सक्रिप्शन की डिटेल देन रिसोर्स ग्रुप दैन टाइप द नेम ऑफ योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद एज योर वाई टी वॉल्ट ठीक है इस नाम को यू मस्ट नीड टू यूज यूनिक नेम वाई टी वॉल्ट हमने यहाँ पे रख दिया है सेंट्रल यू एस इज अवर लोकेसन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे रिव्यू करेंगे एंड क्रिएट तो ये जो रिकवरी सर्विस वॉल्ट हम क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस वी आर एबल टू कॉन्फिगर द बैकअप फॉर ऑन ऑनप्रोमाइस या फिर एज यू पोर्टल पर आपने कोई सर्विसेज इस्टेब्लिश कर रखी हैं उसके भी बैकअप के लिए हमारी हेल्प करेगा सो नाउ लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स जैसे ही हमारा रिकवरी सर्विस वॉल्ट रेडी हो जाता है वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप जिसमें हम अपने ऑन ऑन्टरम्राइसिस में आ, जो भी फाइल या फोल्डर अवेलेबल हैं जो बेस मशीन पे फाइल फोल्डर अवेलेबल हैं उनका बैकअप कॉन्फिगर करना फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू टेक द बैकअप ऑफ वर्चुअल मशीन हाइपरवाइजर पे हो या फिर ई एस एक्स आई पे आपने वी एम तैयार कर रखा है या बेयर मेटल बैकअप चाहिए या सिस्टम स्टेट बैकअप चाहिए यह हर एक तरीके के बैकअप को सपोर्ट करता है सो आर एजेंडा ये अपने पास रिकवरी सर्विस वॉल्ट हो गया और ये अपने पास बेस मशीन है दिस इज द बेस मशीन एंड वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ़ फाइल एंड फोल्डर्स आर अवेलेबल यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स दिखाई पड़ रही हैं आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन फिगर द बैकअप ऑफ दीज फाइल्स हम इन सभी फाइल्स का बैकअप कॉन फिगर करेंगे रिकवरी सर्विस वॉल्ट के जरिए राइट right? तो वॉल्ट एक तरीके का मीडिएटर है या आप बोल सकते हो एक प्लेटफॉर्म है जो एस जी ओर हमें प्रोवाइड करता है एंड uh, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपने बैकअप को कॉन्फ़िगर करेंगे राइट right? तो अगर आपको कंपेयर करना है वाइट uh, इस वॉल्ट को रिकवरी सर्विस वॉल्ट को तो यू नो देट वी हैव ए नंबर ऑफ थर्ड पार्टी टूल या सॉफ्टवेयर जिनकी हेल्प से हम अपने सिस्टम uh, का बैकअप फाइल का बैकअप फोल्डर का, का बैकअप कौन करते हैं जैसे बीम बैकअप हो गया या नैट uh, हो गया ठीक है इस तरीके के मल्टीपल बैकअप्स टूल अवेलेबल है जो ऑन प्रोमाइसिस में काम करते हैं Azure पे बैकअप कॉन्फिगर करने के लिए किसी भी टूल या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको सिर्फ वॉल्ट तैयार करना है रिकवरी सर्विस वॉल्ट को ओपन करना है और इस वॉल्ट के जरिए आप कोई सा भी बैकअप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे सो रिकवरी सर्विस वॉल्ट लुक लाइक दिस आप देखिए यहाँ पे बैकअप साइड रिकवरी डिलीट मल्टीपल ऑप्शन मीन्स रिकवरी सर्विस वॉल्ट के थ्रू आप बैकअप रिकवरी एंड रेप्लीकेशन uh, भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो रेप्लीकेशन इज़ वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक बट उसके लिए पहले हमें बैकअप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन बैकअप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्टली आप गेटिंग uh, स्टार्टेड पे क्लिक करके जा सकते हैं आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन बैकअप एंड इट विल गिव यू द ऑप्शन कि आपका लोड कहाँ पर रन कर रहा है वेयर इज योर वर्क लोड रनिंग एज योर पे है मेन पोर्टल के ऊपर अगर आपने कोई सर्विस कौन कर रखी है उसका बैकअप कौन करना है तो ये पहला ऑप्शन इफ यू हैव मीन्स हाइब्रिड इन्वायरमेंट एजुर यूर स्टैकअप दोनों के केस में काम करता है एजुर पोर्टल के लिए भी है ऑन प्रोमाइसिस के लिए एच क्या होता है इफ़ यू हैव एनी स्पेशल हार्डवेयर लाइक डेल ई आपने लगा रखा है या कोई ऐसा सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है तो एज विल गिव अस अ ऑफर एज यू विल प्रोवाइड अ काइंड ऑफ एजेंट दैट हेल्प अस टू टेक द बैक ऑफ अवर ऑन प्रोमाइस हार्डवेयर बट उसमें कुछ सेलेक्टेड हार्डवेयर नॉट फॉर इंटायर ऑन केस में मीन्स किसी भी तरीके का हार्डवेयर आपने इस्टाब्लिश कर रखा है कोई भी वेंडर का आपने सर्वर इस्टाब्लिश कर रखा है एंड यू वॉन्टेड टू टू द बैकअप ऑफ और ऑनप्रमाइेज तो आप ऑनप्रोमाइेज सेलेक्ट करेंगे फाइल फोल्डर वर्चुअल मशीन वर्चुअल मशीन ऑन ईर सक्साई सिक्वल सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज या फिर सिस्टम स्टेट एंड बैरबेटल किसी भी तरीके के बैकअप आप कॉन्फिगर कर सकते हैं आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ फाइल एंड फोल्डर क्योंकि हम अभी पहले फाइल एंड फोल्डर का बैकअप देखेंगे एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप ठीक है दैन नीट टू क्लिक ऑन प्रिपेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर में आपको दो ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होगी द फर्स्ट वन इज डाउनलोड अ एजेंट इसको हम टूल बोलते हैं और दूसरा है इसमें वॉल्ट क्रेडेंशियल तो डाउनलोड एजेंट एक छोटा सा टूल है मास एजेंट इसको बोला जाता है द कैपेसिटी ऑफ मास एजेंट इज फोर्टी फाइव एम बी और दिस इज क्रेडेंशियल जिसमें आपको एक फ़ाइल uh, मिलेगी इनक्रप्टेड फाइल जिसकी हेल्प से आपको ऑन प्रोमाइसिस अप्रूवल देगा हमारे रिकवरी सर्विस वॉल्ट को या रिकवरी सर्विस वॉल्ट अप्रूवल देगा हमारे ऑन प्रोमाइसिस के डिवाइस को दोनों टूल हमने डाउनलोड कर रखे हैं अब मार्स एजेंट को करेंगे प्रोसीड टू इंस्टॉल मार्स एजेंट को हमने इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसीड किया एक्सट्रैक्ट किया और वंस आवर मार्क्स एजेंट इंस्टॉल वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप दिस इज वी कैन

इंस्टॉल करने के बाद इट विल आस्क यू फॉर अप्रूवल जिसमें आपको जो आपने की डाउनलोड कर रखी है ना उस की को प्रोवाइड करना पड़ेगा लेट मी शो यू दिस इज वाइट वाइटी वर्ल्ड्स जो हमने एक क्रेडेंशियल वैलिडेशन uh, के लिए डाउनलोड uh, कर रखा है इस की को ऑथराइज करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए बट फर्स्टली जस्ट नीड टू इंस्टॉल इट इट विल ऑटोमेटिकली रीड आइट यू ऑन दिस पर्टिकुलर पेज जहाँ पे आप इस की uh, को इन्फॉर्म करके की इन्फॉर्मेशन दे करके अप्रूवल दे देंगे ओके एवरी थिंग इज ओके प्रोसीड टू रजिस्टर रजिस्ट्रेशन के लिए इसको प्रोसीड करते हैं वॉल्ड क्रेडेंशियल को ब्राउज करिए एंड ओपन आवर डाउनलोड फोल्डर वाई टी वॉल्स इसको सेलेक्ट किया हमने ओपन किया एंड नेक्स्ट यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड अ पासवर्ड एंड पासवर्ड शुड बी अ मिनिमम सिक्सटीन कैरेक्टर तो आप कोई भी एक पासवर्ड मैंसन कर देंगे दैट हेल्प यू इन केस ऑफ अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इस टूल में कभी भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको एक क्रेडेंशियल देना जरूरी है पासवर्ड हम सेव कर लेते हैं इनकेस अगर हम भूल गए पासवर्ड तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे पी डब्ल्यू डी वॉल्ट ठीक है इट्स अप टू यू यू कैन पुट एनी नेम सेलेक्ट किया और इसको हमने सेव कर दिया ठीक है इट विल हेल्प यू इट विल हेल्प यू टू सेव योर फोल्डर सेव योर पासवर्ड जो आपने मैंसन किया है इन केस आप भूल जाते हैं तो उस केस में ये रिकवरी के लिए काम आएगा रजिस्ट्रिंग दिस सर्वर विद माइक्रोसॉफ्ट एज बैकअप में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें और जैसे ये रजिस्टर्ड होता है एंड इट विल रीड आइट यून of Mars agent. ये अपने पास बैकअप टूल ओपन हो गया है एंड लेट मी शो यू हाउ यू कैन कॉनफिगर द बैकअप राइट तो जितना भी बैकअप आप कॉनफिगर करेंगे जो भी फाइल्स फोल्डर का बैकअप आप कॉनफिगर करेंगे वो सभी डेटा आपका एज यूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैक एंड में सेव करें सो प्रोसीड टू स्केड्यूल द बैकअप इट विल रिडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ पॉलिसी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एड आइटम्स मींस विच डेटा यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आईम आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट अवर डेस्कटॉप डेटा इट्स नॉट मैंडेटरी आप कोई सा भी डेटा इसमें प्रोटेक्ट कर सकते हो तो डेस्क टॉप के लिए आप यूज़र पर जाएँगे एंड डेस्कटॉप पर सेलेक्ट करेंगे इन सभी डेटा जो ये सी एस बी फॉर्मेट में है इन सभी को चेक मार कर देते हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक द बैकअप ऑफ दीज फाइल्स एक्सल फाइल जो भी है उसका भी बैकअप हमें कॉन्फिगर करना है एंड पॉलिसी डॉट जी पी जी जी पी एन जी इसका ये सभी आइटम्स का हम बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ़ फाइल्स आर अवेलेबल अप टू एट तो इन सभी का बैकअप नेक्स्ट किया एंड वट यू टू डू यू वॉन्ट टू टेक द बैकअप ऑन डेली बेसिस या वीकली बेसिस? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वीक में uh, कितने दिन बैकअप कौन करना चाहते हैं डिपेंड अपन यू एज़ पर द यूसेज तो अभी हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं के अकॉर्डिंग आई वॉन्टेड टू पुट ऑट ऑनलाइन बिकॉज ऑफलाइन में रखने का मतलब यू मस्ट नीड टू स्टेब्लिश योर ऑन स्टोरेज तो यू डोंट वॉन्ट टू प्रोवाइड द एनी काइंड ऑफ लोकल स्टोरेज फिनिश अभी हमने स्केड्यूल किया मीन्स वेंसडे का वेट करना पड़ेगा बट वंस द बैकअप स्केड्यूल सक्सेसफुली आई वील प्रोसीड फॉर द मैनुअल बैकअप यह हमने बैकअप स्कड्यूल किया एंड वी आर एबल टू फाइंड बैकअप नाओ सो वी वॉन्टेड टू सी द रिजल्ट राइट नाओ सो इस वजह से हम यहाँ पे बैकअप नाव पे क्लिक करेंगे ठीक है नो नीड टू डू एनी थिंग दिस सेलेक्ट द डेट विच यू वॉन्ट टू रिटेन द बैकअप सो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ अप्रैल बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बाई डिफॉल्ट ये थर्टी डेज़ का रिटर्नसन टाइम मांगता है आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड फॉर फिफ्थ ऑफ मार्च सो ओनली फॉर द थ्री डेज बैकअप क्योंकि हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो रेटेंसन टाइम ज़्यादा हाई रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टार्ट बैकअप सो so, जो टोटल फाइल की कैपेसिटी है अप्रॉक्सिमेटली फिफ्टीन टू ट्वेंटी एम बी तो आई डोंट थिंक इट विल टेक मच टाइम सो वंस आवर बैकअप इज रेडी टू यूज आई एल सो यू फर्स्टली फर्स्ट डिलीट द डेटा एंड देन रिकवर विद द हेल्प ऑफ रिकवरी वॉल्ट मींस इस मार्स एजेंट के थ्रू हम इसको फिर से रिकवर करने की कोशिश करेंगे इट इज़ इन प्रोग्रेस प्रिपेयरिंग स्टोरेज बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है डेटा की मीन्स हार्डली ट्वेंटी एम बी से भी कम है तो विल टेक हार्डली वन आर टू मिनट और उसके बाद फिर हम बैकअप कंप्लीट होने के बाद जितना भी डेटा हमने सेलेक्ट किया था बैकअप के लिए उस डेटा को रिमूव करेंगे डिलीट करेंगे रिसाइकल बिन से भी और फिर रिकवर करने की कोशिश करेंगे राइट ठीक है बैकअप ट्रांसफ़र स्टार्टेड विन वाइल पोर्टल पर चलेंगे और पोर्टल पर हम आइडेंटिफाई कर दें कि जो आपने मार्स एजेंट के थ्रू एक सर्वर रजिस्टर किया है ऑन प्रोमाइसिस पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बैकअप आइटम्स में मिल जाएगी यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन बैकअप आइटम्स इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन की आपने किसके थ्रू बैकअप कौन फिगर किया है तो आपने एज बैकअप एजेंट का यूज़ किया है सेलेक्ट एंड इट विल गिव अस इंफॉर्मेशन दिस इज अवर सर्वर जो हमारा ऑनप्रोमाइस मशीन है इफ यून टू चेक द कम्प्यूटर नेम डेस्कटॉप एच वन डी टी सम और व्यू डिटेल्स में जा कर के ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा कि, कि किस तरीके का बैकअप आपने कौन फिगर किया है दिस इज़ द कम्प्यूटर नेम राइट और अगर आप होस्ट नेम इसका चेक करते हैं सी एम यू विल गेट द सेम इंफॉर्मेशन आप देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप एच वन डी टी वी एच सम सेम कंप्यूटर नेम आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जिसको हमने रजिस्टर किया है राइट फाइन सो बैकअप कंप्लीटेड 13.37 पॉइंट के आसपास का डेटा है हमने बैकअप कॉन्फिगर किया आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव ऑल द डेटा टू चेक द रिकवरी तो ये डेटा हमने बैकअप कॉन्फिगर किया था आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट डिलीट करते हैं इसको नॉट ओनली फ्रॉम डेस्क आई एम गोइंग टू रिमूव इट इन फ्रॉम रिसाइकल बिन एज वेल तो रिसाइकिल बिन से भी इसको हम करते हैं डिलीट ठीक है

ठीक है नो नीड टू मेक एनी चेंजेस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इट विल चेक द एंटायर डेटा दैट बी कॉन्फिगर्ड इट विल फेच द इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास फाइल फोल्डर का की इन्फॉर्मेशन होगी उसको ये पूरी तरीके से फेच करेगा एंड देन इट विल इन्फॉर्म अस

ना इट्स लुक लाइक दिस यूज़र्स और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे वो जितने भी डेटा हमने डिलीट किए थे उन सब की इन्फॉमेशन आनी चाहिए जितने भी फाइल्स का बैकअप हमने कॉन्फिगर किया था उनकी इन्फॉमेसन इस पर्टिकुलर फोल्डर में इस पर्टिकुलर लोकेशन में आ जाएगी एंड यू कैन कॉपी एंड पेस्ट एंड पुटेट इन द एनी डिफरेंट लोकेशन जहाँ पर भी हम रखना चाहते हैं उसको हम आसानी से मैंसन कर सकते हैं डेस्क आ गया और ये सभी डेटा हमारे पास थे यूज जस्ट नीट टू कॉम्पीट और इसको कहाँ पर रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हो यू वॉन्टेड टू पुट ऑन डेस्क टॉप यू वॉन्टेड टू पुट इन एनी ड्राइव यू कैन डू देट दिस इज़ ऑल अबाउट द बैकअप एंड री स्टोर फ्रॉम ऑन प्रोमाइस टू एज यू पोर्टल आई होप की ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इफ़ यू हैव एनी डाउट आर क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो एंड ड्रॉप अ कमेंट डेफिनेटली विल रीच योर कमेंट एंड गाइड यू